भाद्र की षष्ठी तिथि पर माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनके जन्म की कथा बेहद प्रचलित है। कहा जाता है कि कात्यायन नामक एक प्रसिद्ध ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इस कारण इनका नाम कात्यायनी भी पड़ा। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्मी भगवती ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। भगवती चार भुजाओं वाली हैं। एक हाथ वर मुद्रा, दूसरा अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में कमल पुष्प और चौथे हाथ में खड़ग सुशोभित है। माँ सिंह की सवारी करती हैं। भक्तों पर माँ हमेशा कृपा करती हैं। काशी में माँ कात्यायनी का मंदिर चौक स्थित संकटा मंदिर के पीछे है। सुनिए क्या बोले कात्यायनी मंदिर के पुजारी शिव शंकर मिश्रा। नवरात्र का छठा दिन छठा दर्शन है माता कात्यायनी का। कात्यायनी का दर्शन सुबह 2 बजे से अंबार भीड़ के साथ, थोड़ा कार्यों में परिवर्तन की वजह से भीड़ तुरंत निकल जा रही है और भगवती कात्यायनी का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याएं और कुंवारे लड़के माता के चरणों में हल्दी लगाने से लड़कों को बहुएं प्राप्त होती हैं और कन्याओं को वर प्राप्त होता है। मंगलवार और गुरुवार को हल्दी लेपन करने से, अन्य दिन में अब बार भीड़ होने लगी है भगवती कात्यायनी के दर्शन के लिए। माँ की पूजा बहुत ही सरल है। माँ सहज ही अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। जो साधक मन, वचन एवं कर्म से माँ की उपासना करते हैं उन्हें वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल प्रदान करती हैं और शत्रु का विनाश कर भय से मुक्ति दिलाती हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयास कर रहे छात्रों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए। साथ ही जिन कन्याओं के विवाह समय से नहीं हो रही हैं या विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो देवी के इसी स्वरूप का दर्शन कन्याओं को करना चाहिए। शिव की नगरी काशी में माँ भगवती के 9 स्वरूपों के अलग अलग मंदिर हैं, जहाँ माँ अपने हर रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। बेहद प्राचीन इन मंदिरों की लोगों में बहुत मान्यता है। नवरात्र के हर दिन यहाँ भक्त दर्शनों के लिए पहुँचते हैं और खुद को कृतार्थ करते हैं। कहते हैं अगर माँ जगत जननी की सच्चे मन से दर्शन और पूजन किया जाए तो माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है।